हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स मार्ट क्रिएटर। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीसीसीआईएल के काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है, तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है रेगुलर यानी कि 4 साल वाले जो कोर्स होते हैं उसमें ही बहुत सारे सीटों पे स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है। फिर यूजीसी का काउंसलिंग हुआ है अभी, तो बीसीसीआईएल के लिए कम सीट ही बचती है। तो काउंसलिंग कराने से पहले स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि किस कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं, दूसरा कितना रैंक तक हमारा होगा कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और तीसरा डिप्लोमा हम जिस ब्रांच से किए हैं क्या हम बीटेक अदर ब्रांच से कर सकते हैं, या फिर हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट बचे हुए हैं, क्योंकि बीसीसी ने सभी कॉलेजों का सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस कॉलेज में कितने सीट हैं, आपका कितना रैंक तक रहेगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और आपको अपना ब्रांच चेंज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या फायदे हैं इसके, क्या नुकसान है, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीट मैट्रिक्स देखने के लिए आपको सबसे पहले बीसीसी के ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बीसीसी के ऑफिशियल साइट को ओपन कर दिया है, और आपको आना है डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड सेक्शन में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सीट मैट्रिक्स ऑफ बीसीसीआईएल 2021, इस पे आपको क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे ये पीडीएफ दे दिया गया है और वहां पे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस पीडीएफ को हमने पहले से डाउनलोड करके रख लिया है, तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। पहले तो थोड़ा सा इसे मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से देख सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बिग अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, जैसा कि आपको पता है काउंसलिंग का डेट दे दिया गया है, तो अगर आप हमारे टीम के द्वारा काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हमारा काउंसलिंग अच्छे से हो जाए, हमें अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आप हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। हमारी एक स्पेशल टीम है जो कि सालों से छात्रों का काउंसलिंग करवा रहे हैं और उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा भी रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे द्वारा काउंसलिंग करवाना, तो स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बीसीसीएलई 2021 स्टेटमेंट ऑफ सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एडमिशन इन थर्ड सेमेस्टर फॉर सेशन 2021-22 इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में, जैसा कि आपको पता है बीसीसीएलई से जो एडमिशन लेते हैं उनका एडमिशन डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में होता है। सेशन आप यहाँ देख सकते हैं 21-22 सेशन है, और बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज का यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है कि किस कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं और आपका कितना रैंक तक रहेगा तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, और पूरे बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ है, यानी कि कॉलेज का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रांच का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैटेगरी वाइज सीट, यानी कि एससी का कितना सीट है, एसटी का कितना सीट है, बीसी वन के लिए कितना सीट बचे हुए हैं, गर्ल्स के लिए कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना सीट है, जनरल के लिए कितना सीट है, सभी का यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीसी भागलपुर, यानी कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो सिविल ब्रांच में आप देख सकते हैं कि यूआर में 2 बचे हुए हैं, एससी वालों के लिए 1 सीट, यानी रिजर्व कोटा के लिए सभी कॉलेज में सीट बचे हुए होते हैं, किसी किसी में नहीं भी होता है। एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 1 भी सीट नहीं है, एबीसी यानी बीसी वन के लिए 2 सीट, और बीसी टू वालों के लिए 1 सीट है। आरसीजी के लिए यहाँ पे कोई भी सीट यानी रिजर्व कोटा के लिए यहाँ पे सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1, यानी कि टोटल इसमें हो गए 7 सीट, 1 सीट बचे हुए हैं डीक्यू यानी डिजेबल कोटा के लिए। ऐसे मैकेनिकल ब्रांच के लिए आप देख सकते हैं यूआर में 2 सीट है, एससी वालों के लिए 2, एसटी के लिए 1 भी सीट नहीं है, ईबीसी के लिए 3, बीसी के लिए 1। तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस ब्रांच में कितने सीट बचे हुए हैं। यहाँ पे मैंने आपको देखने के लिए बता दिया कि इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, अपने ब्रांच का नाम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे टोटल सीट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो
तो इस कॉलेज में टोटल यहाँ पे 50 सीट खाली है, सभी ब्रांच को मिला के यहाँ पे टोटल 50 सीट है, जिसमें 2 सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा है, एक यहाँ पे सिविल वालों के लिए डीक्यू में 1 सीट बचे हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए भी 1 सीट खाली है डीक्यू रिजर्वेशन कोटा में। तो 50 + 2 हो गए 52, तो टोटल भागलपुर कॉलेज में 52 सीट बचे हुए हैं सभी ब्रांच को मिलाकर। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप आसानी से उसे देख सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं मुजफ्फरपुर कॉलेज का। तो जैसा कि आपको पता है बीसी यानी भागलपुर कॉलेज, एमआईटी, मुजफ्फरपुर कॉलेज, ये सब टॉप के कॉलेज आते हैं। तो इसमें सीट जो होते हैं 4 ईयर वाले जो कोर्स होता है यानी रेगुलर कोर्स जो होते हैं उसमें ही अधिकतर स्टूडेंट चाहते हैं कि इस कॉलेज में हमारा नाम हो जाए, क्योंकि ये टॉप के कॉलेज होते हैं, इसलिए इन कॉलेजों में सीट बहुत कम ही बचता है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर कॉलेज की। इसमें सिविल वालों के लिए आप देख सकते हैं यूआर में 2 सीट है, देखने के लिए मैंने आपको बता दिया, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया, तो आप वहां पे इसे देख सकते हैं किस कॉलेज में कितने सीट हैं। तो हम यहाँ पे टोटल की बात कर लेते हैं, टोटल इस कॉलेज में 32 सीट है और एक डिजेबल कोटा के लिए है, इसमें कुछ ब्रांचेस एक्स्ट्रा भी है जैसे कि आईटी ब्रांच हो गया। ठीक है, तो हमने देख लिया टोटल यहाँ पे कितने सीट है 32। अब बात कर लेते हैं गया इंजीनियरिंग कॉलेज की। ठीक है, इसमें टोटल 4 ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल। तो गया कॉलेज में टोटल 33 सीट है और एक डीक्यू के लिए है। अब बात कर ले अगर मोतिहारी कॉलेज की, तो मोतिहारी कॉलेज में भी टोटल 4 ब्रांच है और टोटल सीट की बात कर ले तो 71 सीट इसमें बचे हुए हैं, यानी और कॉलेज की अपेक्षा इसमें थोड़े से ज्यादा सीट है, जिसमें मैकेनिकल में टोटल 15 सीट है। तो मैकेनिकल में ज्यादा सीट है इस वजह से इनका सीट भी बढ़ गया, तो टोटल यहाँ पे हो गए 71 सीट। ठीक है, तो मोतिहारी में आपने देखा कितना 71 और 1 सीट एक्स्ट्रा है डीक्यू के लिए। नेक्स्ट है दरभंगा कॉलेज। ये सब ऊपर से मैंने अभी जो भी बोला ये सब टॉप के कॉलेज आते हैं। ठीक है, तो दरभंगा कॉलेज में भी आप देख सकते हैं कम ही सीट बची हुई है, क्योंकि ये सब टॉप के कॉलेज आते हैं, तो 31 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, ब्रांच आप देख सकते हैं 4 ब्रांच इसमें भी है। नेक्स्ट है नालंदा कॉलेज, यहाँ पे भी आपको 4 ब्रांच मिलेंगे जिसमें टोटल 25 सीट ही है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज हमारा छपरा कॉलेज, इसमें आप देख सकते हैं टोटल सीट हमारा यहाँ पे हो गया 34, इसमें भी टोटल 4 ब्रांच है और 1 सीट एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट है बख्तियारपुर कॉलेज, ये भी टॉप के कॉलेज में आते हैं, यहाँ पे भी टोटल 29 सीट, जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी टॉप के कॉलेज होते हैं उसमें बहुत कम सीट बचता है, तो भागलपुर कॉलेज, एमआईटी, बख्तियारपुर ये सब क्या है टॉप के कॉलेज आते हैं, इसलिए इनमें सीट जो होती है बहुत कम बचती है। टोटल 4 ब्रांच है और सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 सीट बचे हुए हैं। ऐसे करके आप बिहार के सभी कॉलेजों के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं। तो इस पीडीएफ को आप देख लीजिएगा कि किस कॉलेज में और जो बच गए कॉलेज है उसमें कितने सीट बचे हुए हैं, क्योंकि अगर सबका बताऊंगा तो यहाँ 12 पेज है टोटल, और सभी कॉलेज के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं टोटल पूरे बिहार में, पूरे बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं। तो चलिए हम इस पीडीएफ के लास्ट पेज पे चलते हैं, जहाँ पे हमें दिखेगा टोटल सरकारी कॉलेज में यानी गवर्नमेंट कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट टोटल सीट्स, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है उनमें टोटल कितने सीट हैं। तो टोटल यहाँ पे 3840 यानी 3840 टोटल सीट बचे हुए हैं, और डिजिबल कोटा के लिए यहाँ पे 45 सीट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि टोटल कितने सीट हैं, किस ब्रांच में कितने सीट हैं, किस कॉलेज में, या पीडीएफ को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने टोटल की बात की है, तो टोटल पूरे बिहार में 3840 सीट बचे हुए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कितने रैंक तक आपका रहेगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आपका रैंक 4000 तक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 4000 तक या फिर 4000 से 1-2 सौ ऊपर भी है तो मिल सकता है आपको, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मतलब एमआईटी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो आपने देखा कि कितना रैंक तक आपका रहेगा तो आपको कॉलेज मिल सकता है। यहाँ पे हम ब्रांच वाइज बात नहीं कर रहे हैं, हम बस बात कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अगर आपका 4000 तक रैंक है तो, क्योंकि सभी ब्रांच का कटअप अलग है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जिस ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं क्या बीटेक में आपको चेंज करना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है नया नियम के अनुसार आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक में आप अगर सिविल से किए हैं तो आप बीटेक में दूसरा से कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए पॉलिटेक्निक आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किए हैं तो अगर आप बीटेक में सिविल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर के लिए सोचे तो ये करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। क्यों?
क्योंकि जिस ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं उसी ब्रांच से अगर आप बीटेक भी करते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप डिप्लोमा लेवल के तो सारे फॉर्म भरेंगे ही उस ब्रांच के लिए, साथ ही साथ बीटेक लेवल के भी आप सारे फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन दिलाने में भी आपका ये बीटेक का डिग्री काफी ज्यादा साथ देगा। इसलिए आप जिस भी ब्रांच से किए हैं, चाहे सिविल से आप करें हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच से आप किए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उसी ब्रांच से आप आगे बीटेक भी कर लें। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे है, डिप्लोमा करने पे उन्हें उन्हें गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत होती है, मतलब ना के बराबर जॉब निकलता है इन ब्रांच वालों के लिए, तो अगर वो चाहे तो चेंज करवा सकते हैं, लेकिन बीटेक में काफी अच्छा है। अगर आप सीएस ब्रांच से बीटेक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। इसलिए अगर वो डिप्लोमा किए हैं किसी भी ब्रांच से तो आगे आप बीटेक भी उसी ब्रांच से करें। अगर आप सिविल से डिप्लोमा किए हैं तो जाहिर सी बात है जो सिविल से डिप्लोमा करेंगे वो बीटेक भी अगर करना चाहे तो सिविल से ही करेंगे, वो अपना ब्रांच चेंज नहीं करवाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि सभी को पता है सिविल वालों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है कि बिहार में उनके लिए काफी ज्यादा जॉब की वैकेंसी आती रहती है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी ऐसा ही है और मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ा सा सीट कम होती है, लेकिन बीटेक करने पर उनको काफी बेनिफिट मिल जाता है। तो आप जिस भी ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं आप कोशिश कीजिए कि बीटेक भी आप उसी ब्रांच से कर ले। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में, धन्यवाद।